हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियोस में स्वागत है। आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा लेज़र क्या है, टेलीप्राइम में लेज़र बनाना, टेलीप्राइम में लेज़र एडिट करना, टेलीप्राइम में लेज़र डिलीट करना। तो इस वीडियो में ये सब सीखने के लिए लास्ट तक बने रहें, और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे टेलीप्राइम मैंने ओपन कर ली है, एजुकेशन मोड में मैंने टेली को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी टेली वाले के नाम से बनी हुई है। अब मुझे यहाँ पे बनाना है लेज़र। देखिए लेज़र बनाने से पहले आप ये समझिए कि लेज़र आखिर होता क्या है ना। तो लेज़र बनाना तो आसान है, लेकिन लेज़र को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं आपको बता दूँ, लेज़र एक तरह का खाता होता है जो कि टैली में ओपन करना होता है, जिसकी मदद से हम टैली में वाउचर एंट्री करते हैं। और टैली में किसी भी तरह की एंट्री करने के लिए उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, तो लेज़र बनाना पड़ता है। यानी कि आप किसी भी तरह की एंट्री करते हैं तो उस एंट्री को करने से पहले आपको लेज़र बनाना होता है। देखिए इसमें मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरली हो जाए कि इसमें किस तरह के लेज़र बनते हैं और किस तरह के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की जाती है वाउचर के अंतर। देखिए यहाँ पे पहला आप देखिए, यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स को 10,000 रुपये का पेमेंट नगद दिया, पहला ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे रमेश लाल से 5,000 रुपये का पेमेंट नगद प्राप्त हुआ। और अगला है यहाँ पे हमने हमारी दुकान के लिए 15,000 रुपये का कंप्यूटर और 10,000 रुपये का फर्नीचर नगद खरीदा। कुछ इस तरह के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। अब इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, लेज़र बनाने पड़ते हैं। जैसे कि मोहन ट्रेडर्स को 10,000 रुपये का पेमेंट नगद दिया है, तो मोहन ट्रेडर्स का हमने लेज़र बनाना पड़ता है। उसके बाद में रमेश लाल से 5,000 रुपये का पेमेंट नगद प्राप्त हुआ है, तो 5,000 रुपये का पेमेंट प्राप्त हुआ है तो रमेश लाल का लेज़र हमें बनाना होगा। उसके बाद में यानी कि हमने हमारी दुकान के लिए है ना कंप्यूटर खरीदा और फर्नीचर खरीदा, तो इन दोनों का लेज़र हमें बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिए, टेली ने हमें पहले से कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र बना के दे रखा है। आप सबसे पहले आपको आना है गेटवे टेली के पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको आ जाना है क्रिएट पे। यहाँ पे आपके सामने अकाउंटिंग मास्टर्स में आ जाना है लेज़र के ऊपर, यहाँ पे कर देना है एंटर। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने लेज़र क्रिएशन विंडो ओपन हो जाती है। हमें यहाँ पे जो लेज़र हम बनाएंगे वह लेज़र यहाँ पे आपको नाम उसका डाल देना है। जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पे देखा था, मोहन ट्रेडर्स को 10,000 रुपये का पेमेंट नगद दिया, तो यहाँ पे आपको बनाना है मोहन ट्रेडर्स का खाता यानी कि लेज़र। तो यहाँ पे आप लिखिए मोहन मैंने यहाँ लिखा मोहन ट्रेडर्स, और यहाँ पे आपको इसे अंडर ग्रुप में रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पहले ये देखना है कि आपका लेज़र किस तरह का है, उसके बाद में यहाँ पे अंडर ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। ये प्रॉपरली मैं आपको सभी ग्रुप के बारे में बता दूँगा बैक टू बैक। इस अगली वीडियो में मैं आपको सभी ग्रुप को क्लियर कर दूँगा ताकि आपको जब भी आप लेज़र बनाओ तब भी कभी भी आपको इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मोहन का हम यहाँ पे लेज़र बना रहे हैं, तो मोहन से हमने पहले माल ख़रीदा था, मान लीजिए मोहन से हमने पहले माल ख़रीदा था, तो इसे रखना है आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स में, ठीक है। और यहाँ पे मोहन की एड्रेस वगैरह आप डाल दीजिए, यहाँ पे पिन कोड आप डाल दीजिए यहाँ पे, उसके बाद में इसे कर लीजिए एक्सेप्ट। तो इस तरह से आप मोहन ट्रेडर्स का लेज़र बना सकते हैं। अब दूसरा ट्रांजेक्शन हमारे सामने था कि रमेश लाल से 5,000 रुपये का पेमेंट नगद प्राप्त हुआ। अब रमेश लाल क्या है, तो मान लीजिए रमेश लाल हमारी कंपनी का यानी कि हमारी दुकान का ग्राहक हैं, तो रमेश लाल का हम यहाँ पे लेज़र बना लेते हैं, रमेश लाल, ठीक है, रमेश को लाल कर दिया हमने। अब इसके बाद में यहाँ पे आप देखिए अंडर ग्रुप आपको देना है। अब ये ग्राहक है तो ग्राहक के हिसाब से आपको यहाँ पे अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको वही ग्रुप सिलेक्ट करना है जिससे संबंधित आपका लेज़र बनता है। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये बन चुका है आपका रमेश लाल का अकाउंट यानी कि खाता।
इसके बाद में अगला था यहाँ पे, हमने हमारी दुकान के लिए 15,000 रुपये का कंप्यूटर और 10,000 रुपये का फर्नीचर नगद ख़रीदा। तो इन दोनों का हमें लेजर बना लेना है। पहले हमें बना लेना है कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर का लेजर हम बना रहे हैं तो कंप्यूटर अकाउंट बनाएंगे। अब इसे किस ग्रुप के अंडर में डालना है हमें? देखिए, कंप्यूटर हम खरीद रहे हैं तो हम यह हमारी दुकान को संचालित करने के लिए खरीद रहे हैं, अब बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे इसे आपको रखना है फिक्स एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में। इसके बाद में यहाँ पे आप इसे कर लीजिए एक्सेप्ट। उसी के बाद में हमारा जो अगला है वह है फर्नीचर का है। फर्नीचर जो आप खरीद रहे हैं, फर्नीचर भी एक तरह का आपकी कंपनी के लिए एसेट्स हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट। जैसे आप यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट लिखते हैं, इसके बाद में आपको फिक्स एसेट सेलेक्ट करते हुए इसे करना है एक्सेप्ट। तो इस तरह से आप इसमें लेज़र बना सकते हैं। अब देखिए, लेज़र बनाना हमने सीखा है अभी। अब इसके बाद में हमें लेज़र को एडिट कैसे करना है, लेज़र को डिलीट कैसे करना है। मान लीजिए हमने जो भी लेज़र बनाया उसमें एड्रेस वगैरह नहीं डालें, तो एड्रेस हम कैसे डाल सकते हैं? देखिए, अल्टर में आपको आना है। अल्टर में आने के बाद में लेज़र को क्रिएट अल्टरेशन करना है, यानी कि एडिट करना है। तो यहाँ पर लेज़र सेलेक्ट कर लेना है। लेज़र को सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर जिस भी लेज़र को हमें एडिट करना है, यानी कि उसमें करेक्शन करना है, उस लेज़र को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोहन ट्रेडर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे मोहन ट्रेडर्स का यहाँ पे एड्रेस डालना है, तो वह जहाँ का भी रहने वाला है वहाँ का आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पे आके आपको इसे कर लेना है एक्सेप्ट। तो इस तरह से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए रमेश के पीछे का लाल अपने को हटाना है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसे आप हटा कैसे सकते हैं। हटा कर इसे आप कर लीजिए एक्सेप्ट। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेप्ट, यानी कि एडिट हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अभी हमने सीखा है लेज़र बनाना और उसे एडिट करना। अब हम सीखेंगे बनाए गए लेज़र को डिलीट कैसे करते हैं। तो बनाए गए लेज़र को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, लेज़र के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर जिस भी लेज़र को आपको डिलीट करना है उस लेज़र को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको शॉर्टकट की दबाना है ऑल्टर बटन के साथ में डी बटन। जैसे ही आप ऑल्टर के साथ डी बटन दबाते हैं, यहाँ से डिलीट की विंडो आ जाती है, और यहाँ से आपको कर देना है इसे एंटर। तो आपके द्वारा जो लेज़र बनाया गया था वह डिलीट हो चुका है। तो आप इस तरह से लेज़र बना सकते हैं, लेज़र को एडिट कर सकते हैं और लेज़र को डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी भी तरह का इसमें अकाउंट को डिलीट करते हैं, किसी भी एंट्री को डिलीट करते हैं, तो उसे डिलीट करने के लिए ऑल्टर बटन के साथ आपको डी बटन प्रेस करना है। तो आप किसी भी तरह का एंट्री को और किसी भी तरह की लेजर ग्रुप को आप डिलीट यहां से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।